आप लोग सब जानते हैं हरियाणा का चुनाव है, सोनेपत का चुनाव है, लोकसभा चुनाव में हम भले सोनेपत सीट को हारे लेकिन आप लोगों ने भारी वोट से बीजेपी को वोट दिए थे और मोदी जी को आशीर्वाद भी दिए थे। मैं इसलिए आप लोगों को धन्यवाद भी देना चाहूंगा। भाई और बहनों, वो समय हमारे कांग्रेस का नेताओं ने एक समाज का एक वर्ग का साथ मिलके मोदी जी को हरवाने के लिए बहुत कुछ कोशिश किया। कोई जगह में जाके बोले कि मोदी जी अगर जीते तो संविधान बदल दिया जाएगा, कोई जगह में जाके बोले कि मोदी जी जीतेगा उनका बाद अग्निवीर का क्या होगा, मोदी जी जीतेगा तो किसानों को अपना हक नहीं मिलेगा। हर प्रदेश में जाके तरह तरह ने उन्होंने अपना बात बोला, जो बात एक प्रकार गलत ही नहीं है वो सारे बात एक प्रकार धोखाधड़ी का बात थे। लेकिन भारत का जनता ने कांग्रेस को सुनने से मना कर दिया और एक प्रकार हमारा देश में सोनिया राहुल ये मां बेटा का सरकार बनाने का जो कोई लोगों का सपना था वो सपना में पानी फेंका। दोबारा तीसरा बार प्रधानमंत्री मोदी जी का ही शपथ हुआ। जैसे लोकसभा चुनाव में मां बेटा का दुकान नहीं चला, मेरा विश्वास है हरियाणा चुनाव में भी बाप बेटा का दुकान बंद हो जाएगा, जरूर बाप बेटा का दुकान बंद हो जाएगा।